आज रंग है रीमा, रंग है री, आज रंग है मोरे जोबन पे, जोबन आया मोहे पिया भिलन रुत मन भायो, मुआ जग बैरी का है संग हरी, आज रंग है दूध में डालकर पिला दें। जे सवेरे से पहले आंख खुल गई ना तो जो चोर की सजा वो मेरी। पी ले, नहीं तो मैं खुद पी लूंगी। सुलाई उसे? हाँ जी, बस अब कल ही जागेगी। अरे तो सोती रहेगी यार वो। बे यार बेशर्मे, तुझे जहर देना चाहिए था, मिलिया नहीं मुझे। जहाँ तुमने दाव लगाना था तुमने लगाया, अब क्यों रोती? बहादुर बन तू भी दाव लगा। कबूतर यही रहेंगे, किसी के बाप का घर नहीं है। जिसे यहां से जाना है वो यहां से जाए। बस फिर आसिया की शादी कर दे। इसे कैसे कर दूं शादी उसकी? मैं कहती हूँ खाला बतूल से, वो बरादरी में बात करती है। बरादरी में है कोई उसके जोड़ का? ना बात करेंगे तो पता लगेगा ना कोई जोड़ का है या नहीं। तो कर ले बात, देख ले। करती हूँ। वलिया, तो क्या हुआ खाला? खैर तो है? मरण जोगी ने मारा था ना उस दिन, आज सिकर गोड़े में दर्द है। वो खाला, में उसे रोटी डाल आया था, कपड़े भी बदला आया था उसके ऊपर। वहां तो दुनिया ही नहीं हो गई है दो तीन हफ्तों में। अच्छा क्या हुआ बता ना, मैं तो उस हवेली के सियापे से नहीं निकली। औरतों का मेला और दागों का गमसान दरख्त पर, और रोटी कणक गन्ने। फिर तूने क्या किया? और थोड़ी देर तो बैठा रहा मैं वहां पर, फिर मैंने सारा सामान पल्ली से बांधा और मंडी ले जाकर बेच दिया। ते पैसे? और पैसे मैंने सुनियारे को दे दिए कबूतरों की झांझरों के लिए। ले दस बला। ओ बेवकूफा, कबूतरों को क्या पता है कि उन्होंने किस चीज की झांझरे बनी हुई है? वो खाला सब पता है कबूतरों को, और जब वो चांदी की झांझरे पहनकर फिरते हैं ना तो अच्छा चल छोड़, ये बता मलकानों ने कोई शोर तो नहीं डाला? उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उनके लिए तो चंगा ही हो गया। पता नहीं चंगा होया कि नहीं होया। तू आ गई खाला, खाला वो शहजादी थी ना, सारी रैयत कट्ठी हो गई। खाला
दूसरी शहजादी भी मुश्किल में है। मुश्किल तो होगी खाला। मैं किसी के बाप का नौकर हूं, तो इन पागल शहजादियों की मुश्किलें दूर करता फिरूं। नौकर हूं मैं किसी के बाप का। जब पुत्र होंगे तो अपने प्यो के होंगे। मैं किसी के बाप का नौकर हूं। पागले राणा बीबी गई थी उधर मजार साईं बाबे के पास। अच्छा। कहता है मुंडा होगा, तवीज भी दिया है उसने। मैंने ना तागे बांध दिए, मन्नत मन्नी है जब मुंडा होया ना तो ना हम मजार का आटा बना के देंगे। तुझे कितना ख्याल है मेरा खाला। मैं तो हमेशा कहती हूँ जी, हम तो आपके पैरों की जूती हैं, कमी कमीन है जी आपके भंडार के चूहे, लंगर चलते रहे जी आपके। आमीन। किसी ने देखा तो नहीं? मैं जाऊं। अब देखना ये अब्बा जी मरहूम की भी अपनी ही जिद थी। क्या जरूरत पड़ी थी तुझे हॉस्टल में रखने की निरी खुद। छोड़ो ना भाई, अब तो मैं शहर वाली कोठी में आ रही हूँ। अब मैंने तेरे लिए ड्राइवर और गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया है, अब मर्जी है तेरी, जहां मर्जी आ जा, जो मर्जी खर्च कर। ये ना सोची कि अब्बा जी तेरे सर पे नहीं है तो मैं हूं ना, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुझे। हाँ भाई, तुम हम बहनों से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? इज्जत के जाम तेरे। ओए मोहब्बत तो मैं तुम लोगों से इतनी करता हूँ कि बयान नहीं कर सकता। ये तो अब्बा जी खाम खा भाई गुलाम रसूल की बात लेके हमेशा मुझे जलील करते रहे हैं। अच्छा छोड़ो भाई, ऐसा है कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर रख तो लिया है, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरी अंग्रेजी का। तू कल्ली नहीं है, मेरा भी यही हाल है। और बीए में तो ऐसी फंसी थी कि आज तक नहीं निकली। तो मैं सोच रही थी, मैंने एक प्रोफेसर से बात की है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं उससे ट्यूशन पढ़ सकती हूँ। ये प्रोफेसर वही तो नहीं जो तुझे नजीर फातिमा के बारे में कहता था कि मैं मिलवाता हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई और है, दूसरा है। हाँ तो ठीक है, कर ले, कोई बात नहीं है। मियाँ जी, अल्लाह वालों के भेद अल्लाह वाले ही जानते हैं। कामी नाई बता रहा था, उसने खुद जिन देखे हैं बोर्ड के तरफ के। इतने इतने बड़े इकट्ठे नमाज पढ़ते हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शिकारी का ध्यान सिर्फ शिकार पे होना चाहिए, बेशक कुकी क्यों ना हो। जाओ उठाओ और तकबीर पढ़ लो। आप ही तुम मेरी मानो तो तुम भी चलो शहर मेरे साथ। रहने दे, मैंने क्या करना है जाके? अरे घूमना फिरना, शॉपिंग करना। और फिर? फिर क्या, बस।
अगर सब करके बस ही करना है तो पहले ही बस क्यों ना कर दें। आपी तुम भी ना पागल हो। अच्छा छोड़, तो ये बता के जो तेरा प्रोफेसर है कितनी उम्र है उसकी? वो बूढ़े से है, उनकी बीवी भी उस्तानी है। बूढ़ा है? हाँ बूढ़े। कहता क्या है? वो कहते हैं कि इश्क हकीकी आम मोहब्बत से शुरू होता है, आम गली मोहल्ले की मोहब्बत से, जैसे फरीदा साजदा की मोहब्बत। ले ये कोई मोहब्बत है? ऐसी मोहब्बतों से तो हवेलियां भरी पड़ी हैं। वो ठीक कहते हैं आपी। अच्छा तू रहन दे, तू ना ज्यादा ध्यान दे इन बातों की तरफ, तू बस इश्क के बारे में पढ़ा लिखा कर। वो ही तो पढ़ती हूँ, और तुम ये जो डाइजेस्ट पढ़ती हो इसमें भी तो यही सब कुछ होता है। तो ये तो कहानियां होती हैं बस, और क्या होता है? हाँ जैसे तुम्हारी और गुलाम रसूल की कहानी। आसिया कुछ सोच समझ के बात किया कर। आपी जा बात ना कर मुझसे। आपी लाओ के वास्ते आसिया, जा यहां से। सॉरी आपी, मेरा मकसद हरगिज तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। तेरा जो भी मकसद था ना हो गया पूरा, जा। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं वापस शहर चली जाऊंगी, तो जा अभी जा। सोच लो। सोच लिया मैंने, जा पीछा छोड़ मेरा। तुम हॉस्टल छोड़ के जा रही हो? हाँ। हालांकि तुम्हारे अब्बू चाहते थे कि तुम हॉस्टल में रहो, इसीलिए लाहौर में घर होने के बावजूद भी उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा। वो दरअसल खर्चे वगैरह से घबराते थे ना, वहाँ एक्सपेंसेस ज्यादा थे इसलिए। फॉर गॉड सेक आसिया, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तुम किसे धोखा दे रही हो? इसमें धोखे वाली क्या बात है? मेरे भाई को मेरा राम ज्यादा अजीज है, और साफ सी बात है यहाँ इंटरफेरेंस बहुत होना शुरू हो गई थी। तो तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी जो मैंने सर चौहान के बारे में कही थी? मैं ही तो। देखो आसिया, तुम्हारा जो दिल करता है वो तुम करो, पर एक बात पे गौर करना, सर चौहान मैरिड हैं और तुमसे उम्र में दुगने। तुम खुद सोचो तुम जिस रास्ते पे चल रही हो उसका अंजाम क्या होगा। मतलब क्या है तुम्हारी इन सब बातों का? सर चौहान इसी तरह हर साल किसी ना किसी लड़की से ओवर फ्रैंक होते हैं, और फिर जब उनकी बीवी को पता चलता है वहां के उस लड़की की बहुत ज्यादा बेइज्जती करती हैं। तुम खुद सोचो उस लड़की की क्या सेल्फ एस्टीम रह जाती होगी। तुम गलत सोच रही हो। एनीवेज थैंक्स फॉर योर एडवाइस, यूनिवर्सिटी में मुलाकात होती रहेगी।
परिंदे खोल दिए थे? आहो जी। आसिया को गए कितने दिन हो गए? बहुत दिन हो गए। मामी जरीना को मेरा पैगाम तो भिजवा, मैं क्या मुझसे आके मिलने। कह दूंगी जी। वो साईं अभी इधर ही बैठा है? आहो जी बैठा है उधर कीकर के नीचे। आसिया के लिए दुआ तो करा, मुझे उसकी शादी की बड़ी फिक्र है। करा दूंगी। वो आपी जी बुरा ना मनना, वो साजदा बता रही थी कि इस बारी वो लड़के गई हैं आपके साथ। बहनों बहनों की क्या लड़ाई है? ठीक कह रही जी आप, पर उस डैन को तो बड़ी खुशियां चढ़ी हुई थी कि भाई बहनों में लड़ाई हो गई है। वो तो पागल है, गुलाम फरीद ने सर जो चढ़ाया हुआ है। ना जी ना, वो नहीं अब मुंह लगाते उस सड़े बताऊ को। उनके कमरे में तो अब चौदहवीं की रात का चमकारा है, चमकारा। वो तो जी अब बाहर भी कहीं नहीं जाते, राणा जी के कमरे में ही रहते हैं सारा वक्त। और वो मनुज साजदा, वो रोती रहती सारा वक्त, टाऊ 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 टाऊ। गुलाम फरीद ऐसा नहीं कर सकता। ये उसने नहीं किया था अब्बा जी, आपको गलत फहमी हुई, ये उसने नहीं किया था। तुम क्यों मर गया गुलाम रसूल? तुझे नहीं मरना चाहिए था, तुझे नहीं मरना चाहिए, तुझे नहीं मरना चाहिए ना। तो क्यों मर गया गुलाम रसूल? तुझे नहीं मरना चाहिए ना। Nice big house. जी बस अब्बा जी ने खरीदा था, हर काम के लिए शहर जो आना पड़ता था। आए प्लीज बैठे। अच्छा किया तुम वहां से निकल आई। हाँ समरा के साथ अब बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। समरा एक ऑर्डिनरी सी लड़की है, ऐसी लड़कियां हर क्लास में होती है, डल एंड वेरी नोजी। सर आपको पता है, आप ही आपके बारे में पूछ रही थी। क्या कह रही थी? यही कि कैसे हैं, क्या एज है वगैरह वगैरह। तुमने क्या कहा? मैंने यही कहा कि क्या कहा? आप गेस करें क्या कहा होगा। तुमने कहा होगा कि सर एक जवान से बूढ़े। नहीं मैंने कहा कि सर एक बूढ़े से टीचर हैं, बिल्कुल प्रोफेसर्स की तरह। लेकिन दुख की बात यह है कि आप ही से नाराज होके आई हूं मैं। वो क्यों? इनफैक्ट आप ही मुझसे नाराज हो गई थी, अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं? आप ही समझती हैं कि अगर उनके फियांसी की डेथ हो गई है तो किसी को भी खुश होने का हक नहीं है, भले को बात हुई। God knows. तुम लड़कियां कैसी मिस्टीरियस क्रीचर्स हो भाई, मैं तो नहीं समझ सका तुम लोगों को। भाई तुम लोगों के यहाँ मेहमानों को कोई पूछना पाछना, कुछ खाना पिलाना कोई रिवाज है कि नहीं? हाँ हाँ मैं कुछ मंगवाती हूँ आपके लिए।
अच्छा नहीं किया बायकूब ने। वो मेरा बेटा था, बड़ा बेटा, मेरा सीधा हाथ, मेरा फखर। सब कुछ तो छोड़ दिया था मैंने, हवेली, जेवर, नमूद, नाम, फिर क्या जरूरत थी। हो सकता है किसी और ने मारा हो। ताया जी ने मुझे बताया था, कह रहे थे गुलाम रसूल उनकी गोली से नहीं मरा, कोई तीसरा। कोई और ये काम नहीं कर सकता। उसे ये दुख था, मेरे दो बेटे क्यों हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते? गुलाम फरीद को बुलाकर उससे बात करें, अब तो मामला बराबर का है। तुमने बेटे नहीं पाले गुलाम अली, बेटियां तो चूजों की तरह होती हैं, टापे में बंद करके दाना दुनका डाल दिया, पल जाती है। बेटे पालना जरा मुश्किल होती है, उन्हें तरबियत की भट्टी में डाल के कुंदन बनाना पड़ता है। हल्की सी आंच भी रह जाए तो गुलाम फरीद की तरह कच्चे रह जाती है, हर औरत के सामने चला जाता है, उसे ये बता देता है कि मैं इतना कमजोर हूं, कोई भी मेरे तक पहुंच सकता है। मैं शहर गया था, आप ठीक कहते हैं, उनकी तरबियत में ही कमी है। आसिया, हमें आसिया से क्या लेना देना? आसिया तो एक मोरा है, उसे हलचल, बाहियकूब उसे मेम बनाना चाहता था, मगर वो भी फरीद की बहन है। ये चाल वापस ले ले, वरना तीन चालों में तुम्हें मात हो जाएगी। माशाल्लाह जी, पूरे 40 दिहाड़े हो गए हैं आपको नमाजें पढ़ते हुए। अल्लाह आपको चांद सा निका देगा निके मियाँ की शक्ल का। आप गड्डी से उतरी थी ना तो राणा बीबी, मुझे पता लग गया था अल्लाह ने आपको 4 मुंडे देने। चल बस, आप ही ने सुन लिया ना तो पता नहीं क्या करे। ओ नहीं कुछ करती, आई उमलूक पहले भी क्या करती थी, बस हर वेले डरती रहती थी कि आप कहीं काबर के वापस हवेली ना चली जाए। जाके आप ही जैसा हाल होना तो उससे बेहतर नहीं है, यहीं अपनी जगह बना ली जाए। राणा बीबी, साजिदा से बच के रहना, चुप चुप पीती फिर रही है,
पर सपड़ी है सपड़ी, बड़ा ही काला दिल है उसका, तौबा तौबा। तुझा आप ही को कोई काम होगा चाची, राणा बीबी साजदा वाली घर याद रखना। साम आ रे, मैं तो साम जुदाई वाले तीर रब मारे। जो तू सोच रही है ना कभी भी नहीं होगा। और क्या सोच रही हूं मैं, क्या नहीं होएगा? सैद बेचारे को मलंग बना दिया, उधर से भी खरात लेकर खाती है और इधर राणा बीबी से भी मांग मांग के खाती है, मनुष्य मारी। चली ना वे दे। जो मैं सोच रही हूँ वो तो हो भी गया। मैंने राणा बीबी से कह दिया है उधर वो बोर्ड पे तागा बनूंगी तो काका होएगा काका। तूने कोई बात करनी है तूने? बोल ना। ऐसे बैठी है जैसे कोई बहुत बड़ी बात बतानी है मुझे। तरखान से कह के झूला बनवा ले। झूला झूलने के लिए तो हवेली में कोई बच्चा ही नहीं है। आप झूला तो बनवाएं, झूलने वाला भी आने वाला है। क्या मतलब है? क्या मतलब, क्या मतलब मुझे नहीं पता क्या। मेरा कसूर बता, क्या किया है मैंने? सारी सारी रात चक्की पीस के इंतजार किया है। ये देख देख तलिया सड़ गई। वे मिया, वे मेरी किस्मत भी सुहा हो गई। क्या हुआ है? बोल मुझे।
बताना क्या हुआ है, क्यों रो रही है तू? और कुछ तो बोल। अब बोलती है या दुए उल्टे हाथ की? बदल गया तू, चक्कर भी बदल गई तेरी, भैया भैया लग रहा है। आए मेरे लोगों, मेरा भैया गुलाम फरीद किधर गया? आए 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 मेरे लोगों, मेरा दिखे भैया सारी तेरी करनी है, तूने मुझे बूटी बुला दी, तुझे कीड़े पड़े गजबानू खाई। आए आए हाँ तू जा जाके खाला बतूल का सर फाड़ना, यहां क्यों गन डाल रही है तू? चल उठ उठ निकल यहां से। ओ खाला बतूल, ओ खाला, ओ लेके जा इसे। ओए अब क्या हुआ है? बीबी जरीना ने कहा है कि तू जाके पहले कनीज फातिमा को दिखा दे, जो उसे तसल्ली हो जाए तो मुझे कहना, मैं लद्दे वाना नाई भेज दूंगी। मामी खुद नहीं आए? ओ जी कैसे आती, जोड़ों में दर्द बुखार है कि जान ही नहीं छोड़ता। आपका पैगाम दिया, पलंग पे लटे लटे रोने लगी, कहती हैं रसूला की बेटी ने बुलाया है और मैं कि जा ही नहीं सकती। लड़का करता क्या है? ओ जी जमींदार क्या करते हैं, वो ही करता है। जमीन अपनी है, मेरा मतलब है अपने नाम है, बरादरी के साथ इकट्ठी तो नहीं? ओ जी फाता ने कभी कच्चा काम नहीं किया, 42 किले नहरी, वो भी इतने जरखेज के क्या बताऊं। मामी से क्या, मुझे रिश्ता पसंद है, लद्दे वालों से बात करें। ओ जी मैं कह दूंगी, अब मैं चलती हूँ। The measure done, I'll watch her place of stand, and by touching hers, I'll bless it, my rude hand. वैसे शेक्सपियर को इतना अजीम आदमी भी नहीं था जितना हमने इसको बना दिया, बस एक आम सा आदमी था, खामखा सर पे चढ़ा दिया। नहीं सर, जो लोग मोहब्बत की बात करते हैं वो मामूली नहीं होते। हालांकि बड़ा कहते हैं कि इश्क जिसको खलल है दिमाग का। आप भी ऐसे ही सोचते हैं भाई? तुम्हारे भाई की रिट सिर्फ हवेली तक चलती है या इस घर में सूल वगैरह नहीं कोई? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं रोज आता हूं, घंटों बैठा रहता हूं और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, सिर्फ तुम। आप मेरे टीचर हैं। हम, ये भी सही कहा तुमने, पर एक बात खूब जान लो, मैं अपने हर शागिर्द के इतने करीब नहीं आता। अगर मैं उस गुजरे जमाने में पैदा हुआ था ना, तो तुम्हारे बालकनी के नीचे खड़े होकर अपने आप को सरेंडर करता सीनियोरिटा। लेकिन जब आपके लिए घर के दरवाजे खुले हैं तो आपको खिड़की के नीचे खड़े होने की क्या जरूरत है भाई?
खुले दरवाजों वाले घर अक्सर हॉन्टेड होते हैं, वहां कुत्ते बसेरा कर लेते हैं, और दरीचों के नीचे खड़े होना, खिड़कियों से झांकना, इसका अपना ही रोमांस है। क्यों? मुबारका मुबारका जी मुबारका, सोने की मुर्गियां लूंगी, छल्ला लूंगी, वो लोग शगुन लेके आ रहे हैं। ये मामी ने भेजी है। और मैं जी सोने की मुर्गियां लेके जाऊंगी। लद्दे वालों से लेना, लड़का उनका है। और जो लद्दे वालों के लोग, उनसे तो हम लड़की वाले अच्छे हैं, उनको क्या पता देने का। अच्छा, वक्त तो आ लेने दे। पर जी ज़रीना बीबी ने कहा था, कनीज़ फातिमा से कहना आसिया बीबी की रजा पूछ ले, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। एक तरफ कुआं हो और दूसरी तरफ खाई हो तो खाई में गिरने वाले से कौन पूछता है। अजी आपने कुछ कहा? मामी से कहना रसूलां की बेटियां उसका नसीब लेकर नहीं आई, इसीलिए मैं आसिया की शादी मामी की बरादरी में करना चाहती हूँ, शायद बस जाए। ठीक है जी। बड़ी चलाक है जी अपनी। उन्होंने अपनी मामी को कहा है कि ये रिश्ता लद्दे वाले से आया है। मियां फरीद को तो पता ही नहीं है। उसे पता भी किस बात का है, सिवाय नई नौकरानियों के। खंजीर। मेरी मीता। तो कनीज फातिमा से कह क्या ये फरीद को पटा डाले। गाबी गाबी गाड़ी निकाल। और बस तैयारी रख, 5 साल के बाद तूने मलकानों की अगली नस्ल को यही शिकार खिलाना है, इधर इसी रख में। हाँ माई बाप, हम तो जूतों में बैठने वाले लोग हैं जी, अल्लाह वो दिन दिखाए। मैं तो कहता हूं कि अब तू भी शादी कर ले, मेरे पोतों को तो तू ही शिकार खिला ही देगा, लेकिन उससे अगली नस्ल का क्या होगा। माई बाप मुझे कौन लड़की देगा। दास और क्या कमी है तेरे में, चंगा भला सोना जवान है तू। माई बाप एक दो दफा रिश्ता चला, पर ना तो मेरी बरादरी है ना कोई और। ऐसे घर में भला कौन आएगा जी। क्या कहता है, साजिदा से निकाह पढ़वा दूं तेरा। मैंने आसिया का रिश्ता पक्का किया है। अपनी आसिया का रिश्ता। बड़ा हूं इसलिए समझा रहा हूं, बहनों की शादियों की इतनी खुशियां नहीं मनाते। तू ये ना समझना कि बच्चे के बहाने तो सर पे चढ़ जाएगी। कौन सी कुंजियां? अब्बा जी की कुंजियां, पड़ोलों की कुंजियां, तिजोरी की कुंजियां, हवेली की कुंजियां, और कौन सी कुंजियां मर जानी है।